रात को तो हमें शक हो गया कि क्या ये टेंट टिकेगा भी कि नहीं। जयकारा शेरावाली दा। जो बर्फ है वो थोड़ी सॉलिड होती जा रही है, ये बहुत आगे निकल गया है, इसको टेक्निक आ चुकी है चलने की। दिखाना भाई टेक्निक अपनी। कि यार एक चीज यही कहूंगा कि शंखपाल के लिए आना है तो मैं कोई पांचवी बार रुक रहा हूँ क्योंकि ये बंदा यहाँ पे करते हैं ड्रॉप बंदों को। तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, यार कैसे हो तुम लोग? तो यार कल रात को हम कोई 9 बजे के करीब आ गए थे अंदर, हमने कहा थोड़ा रेस्ट करते हैं आप, तो खाना वाना खा लिया था। बट 9:30 के करीब मौसम ऐसा खराब हुआ कि खराब भी क्या, आंधियां चलने लगी। तगड़ी हवा चल रही थी भाई, बहुत ही तगड़ी हवाएं चल रही थी, आंधियां चल रही थी और अभी भी चल रही है। रात को तो हमें शक हो गया कि क्या ये टेंट टिकेगा भी कि नहीं। बट 8,000 वर्थ था भाई। हाँ तो हम लोगों की इन्वेस्टमेंट है 8,000 की, तो वर्थ निकला। सुबह निकल गई है, धूप निकल चुकी है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बाहर जा रहे पानी बॉटल लेके तो वो पानी ही जम जा रहा है, तो इसीलिए आप सोच रहे कि डिसेंड करेंगे, नीचे जाके कुछ खाएंगे, सनासर पे देखते कुछ खाएंगे, यहाँ से अभी निकलते हैं। लेकिन बहुत हवा चल रही है यार, बहुत तेज हवा है, तो हवा ने काम खराब कर दिया। तो अभी आप तैयार हो गए, तो अभी सनासर में एक ढाबा है, वहां जाके खाना खाएंगे। जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। तो भाई निकल चुके हैं वापस, डिसेंड कर दिया है शुरू, वहां तक जाना है। तो भाई इतना सारा डिसेंट हमने करीब करीब मेरे को लग रहा है 20 मिनट में कवर कर लिया होगा, जहाँ जाने में कल हमें आधी जिंदगानी लग गई थी। और थोड़ी सी गर्मी हो रही है बट ओके है, मुझे लग रहा है हम बहुत जल्दी नीचे पहुँच जाएंगे। बाकी जैसा भी होगा तो बता ही देंगे अभी, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी करना ही है, ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाया, तो बढ़ते रहेंगे आगे और बताते रहेंगे आपको। तो भाई नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं, जो बर्फ़ है वो थोड़ी सॉलिड होती जा रही है। आज धूप थोड़ी कम ही निकली है, ऊपर बादल ही है। और ये अपना गोरखा भाई, ये बहुत आगे निकल गया है, इसको टेक्निक आ चुकी है चलने की। दिखाना भाई टेक्निक अपनी। आपको फ्लैट रखना पड़ेगा हैं, फ्लैट सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करना। अच्छा अभी देखो कैसे जाएगा गट्टे ऐसा नीचे हार्ड हो गया बर्फ़, तो यहाँ पे इजी है डिसेंट, यहाँ इजी हो गया। ऐसे ही चलता रहा तो अगले कोई 15-20 मिनट हम गाड़ी के पास होंगे। ये हमारा एक जवान आता हुआ सबसे लेट आ गया। तू भाई फाइनली फाइनली भाई लोग अपन तो पहुंच गए हैं, वो रही अपनी गाड़ी। ब्रेकफास्ट में जो बिल्कुल बिल्कुल मैंने संडे का बोला था, कल छोले भटूरे जाएंगे। आज छोले भटूरे हेल्दी नहीं, आज चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो। तो भाई फाइनली डिसेंट हो चुका है पूरा, बहुत जल्दी पहुंच गए, मेरे को लग रहा है कोई आधा घंटा लगा होगा हमें जाने में। जवान अभी भी आ रहे हैं हमारे, इसने पूरा कैंपिंग वाला जो हमारा सेटअप है उसको रगड़ता हुआ लेके आ रहा है पूरे रास्ते। पता नहीं ये बचा भी होगा कुछ या नहीं पूरे रास्ते में। और वो वहाँ से हमारा एक जवान पता नहीं कहाँ रह गया। अच्छा वो बैठा है, वो दिख रहा है आपको वहाँ पे, एक उसको एक्चुअली गिरा दिया था एक बंदे ने, उसके बाद वो कह रहा है कि मैं आऊँगा ही नहीं अब। बाकी अपनी गाड़ी ये रही, फुल पैक करके गए थे, अब देखना ये है कि क्या स्टार्ट होती है ये नहीं, बर्फ हमने खुद डाली थी कल, अब निकलते हैं फिर आगे। तो भाई गर्मी हो रही है काफ़ी, क्योंकि अब ऊपर से नीचे आए हैं, तो बस मैंने पफर उतार दिए, बाकी ज़्यादा कपड़े टोपी वोपी नहीं उतारूँगा, बीमार हो सकते हैं। तो बाकी यार एक चीज़ यही कहूँगा कि शंखपाल के लिए आना है तो कोशिश करो कि तुम भाई कम से कम सुबह के कोई 10 बजे तक पहुँच जाओ,
ताकि 10 बजे तुम ट्रैक शुरू कर पाओ, तभी तुम कोई मतलब 3 बजे तक वहाँ पहुँच पाओगे इन केस बर्फ़ वगैरह हुई तो। अदरवाइज़ तो फिर यही कोई 2-2.5 घंटे में तुम पहुँच जाओगे आसानी से, बट ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाता है और डिपेंड करता है कि तुम कितना तेज़ वॉक करते हो। वो पता नहीं दिख रहा होगा क्योंकि नहीं, वो पीछे एक लूप है, वो बैठ गया उधर ही, गिर गया और फिर उठ ही नहीं रहा है। तो भाई सामान डालना शुरू कर दिया है, बैठ चुके हैं गाड़ी में, अब निकलते हैं आगे। हमने सामान पैक कर लिया है पूरा और वो लड़का बाहर खड़ा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम बाहर खड़े होने में। तो यहाँ से हमने की थी चढ़ाई, वो था वो वाला पहाड़ था जो हमने कॉन्कर किया आज, और हम चलते हैं वापस। भाई पहाड़ों में आए और मैगी ना खाई तो क्या पहाड़ों में आए है कि नहीं। तो हम आए मैगी खाने, कितना फूला हुआ, गंदी बातें मत कर। थोड़ी चाय भी पियेंगे हल्की चीनी वाली, और यहाँ पे आग भी है तो थोड़े हाथ भी गर्म कर लेंगे, और उसके बाद फिर उतरते हैं नीचे क्योंकि खाया नहीं है कुछ बहुत टाइम से। तो भाई लोग ऐसे लोगों से थोड़ा बचें, ये जैसे बोने टे बैठ के आ रहे थे, ऐसा सब ना करें, कुछ भी हो सकता है। तो भाई लोग फंस चुके हैं ट्रैफिक जाम में क्योंकि लोगों ने साइडों पे गाड़ी लगा दी है, एक साइड पे तो बची एक लाइन, और उस लेन में ही सारे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ट्रैफिक जाम लग चुका है। कोई 15 मिनट हो गए यहाँ बैठे हुए, अब ट्रैफिक पुलिस वाला आदमी आ चुका है, अब देखते हैं वो क्लियर करवा रहा है कितनी देर में होता है। आधा घंटा तो कहीं नहीं गया, होप सो कि जल्दी क्लियर हो जाए, उम्मीद करते हैं जल्दी क्लियर हो जाए। बाकी इसके बाद निकलते हैं, हमें जाना है खुद प्रेम स्वीट से, उठाएंगे थोड़े पत्ती से जो कि यहाँ के बहुत फेमस है, और ले जाएंगे घर। बाकी कुछ और होगा तो आपको बताएंगे, मामे दे कुलचे भी खाने का मन है, जम्मू के काफ़ी फेमस है वो भी, तो जैसा भी होगा बताएंगे तुम्हें जरूर। भाई हम अभी भी जाम में ही फंसे हुए हैं, लेकिन इस दौरान हमने एक कायरोप्रैक्टर बुला लिया है, ये देखो जरा बेल्ट डील करना, ये देखो बस डीला रखना, अब टांगों पे बात करो मैं मिलना हो जाओ। अरे ये इसको तो मारना कहते हैं भाई। तो भाई पहुंच चुके हैं खुद इस टाइम, और यहाँ पे ये प्रेम स्वीट्स बहुत फेमस है, तो यहाँ से हमने ले लिया है इसका वर्ल्ड फेमस पतीसा। अब यहाँ पे जाके कुछ खाते हैं, मोमोज वगैरह हमने ऑर्डर किए हैं, तो अपने लौंडे यहाँ बैठे हैं। तो गाइस हमने थोड़े मोमोज वगैरह खाए, अभी मोमोज मंगाए थे जैसे कि मैंने बताया था, और ये पेड वीडियोस नहीं है, किंगडम ऑफ मोमोज जो भी, उसके एक बोर्ड पे लिखा था किंगडम ऑफ मोमोज और एक पे लिखा था किंगडम ऑफ मॉम्स, अब हमें पता नहीं वो मॉम्स की बात कर रहा था या मोमोज की। अब हमने तो मोमोज ही खाए, और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, और ये अभी भी खा रहा है। ग्रेवी वाले मंगाए थे कुछ हॉट गार्लिक, वैरायटी बहुत थी मोमोज की, ठीक ठाक है मोमोज, हमने थुपका भी ट्राई किया, हमने बेकार था थुपका, अभी क्वांटिटी उतरी होती है यार, मुझे लगा पहले सिंगल है, बट दो वो एक बड़ा बाउल होता है और इसमें उसमें मोमोज नहीं थे यार थुपका में, और इसके अलावा हमने खुद से काफी फेमस प्रेम स्वीट्स के पतीसा वगैरह, चार डब्बे आए, चार डब्बे पीछे डब्बे, ये देखो कितने सारे डब्बे हमारे पास, तो ये हम लेके जा रहे हैं घर, और अब आगे रुकेंगे, नेक्स्ट स्टॉप होगा अपना मामे दे कुलचे उधमपुर में, तो जैसा भी होगा बता दिया जाएगा तुम लोगों को। थोड़ा ही आगे आए थे और इसको थोड़ा नौजिया सा लग रहा है, उल्टी वाला मन हो रहा है यार, मुझे तो खाना खाने दिया करो यार, यार ये भाई अब ये थोड़ा वॉक कर रहा है और हम साइड पे रुक चुके हैं, तब तक नजारे देखो यार क्या ब्यूटीफुल है। मैं कोई 5वीं बार रुक रहा हूँ क्योंकि ये बंदा उल्टी नहीं कर रहा है, उल्टी ही नहीं कर रहा है, बार बार गाड़ी रुकवा दे रहा है और उल्टी ही नहीं कर रहा है, 5वीं बार रुक चुका हूँ। ये कोई तो जगह है यार, पता नहीं कौन सी है, बट ये टमाटर मोड़ से आगे, टमाटर मोड़ से हम आगे आ चुके हैं, मौसम भी बड़ा बेहतरीन हो रहा है। तो भाई पहुंच चुके हैं उधमपुर, ये है मामा जी का मशहूर कुलचा, करते हैं कुलचा ऑर्डर। तो भाई कुलचा ले लिया है, करते हैं इसका सेवन और फिर निकलते हैं घर की ओर, थोड़े पैक भी करा देंगे घर के लिए। तो भाई लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने एरिए में, यहाँ पे करते हैं ड्रॉप बंदों को। तो भाई करते हैं सामान थोड़ा अनलोड, लोकेशन लीक तो नहीं हो रही होगी ऑब्वियसली, सामान है बहुत सारा,
यहाँ से निकाल के डालना है इस गाड़ी में। तो अभी करते हैं ये वाला काम, इसके बाद चलते हैं घर। और ये काफ़ी लंबा हो चुका है व्लॉग, तो इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। होपफुली आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, हमने आपके लिए बहुत कुछ किया, हालांकि अपने लिए किया पर आपको भी मज़ा आया होगा। तो भाई लोग सबको कर दिया था ड्रॉप और सामान वगैरह अनलोड हो गया था उनका, तो अब मैं अपनी घर की ओर आ रहा हूँ। और फाइनली ये ट्रैक ख़त्म हो रहा है, स्नो ट्रैक ख़त्म हो रहा है, बट इसके बाद बहुत सारे आने वाले हैं। इस वीडियो को करता हूँ मैं ख़त्म, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस व्लॉग में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लेजी टेक।